राजधानी भुवनेश्वर सहर रे एक निर्वाचन चली पौर निर्वाचन से निरपेक्ष निर्वाचन होना यह आम अनुभव करुचु कारण गत तीन दिन तले जो भाव में पुलिस प्रशासन सम्मुखें पुलिस थाना लक्ष्मीसार थाना सम्मुखें अतर्कित भाव में प्री प्लान करी विजु जनता दल स्थानीय नेतृत्व कर्मी माने शह शह संख्यारे आमर कर्मी मानू आम स्थानीय नेतृत्व मानू मारणास्त्र धरिके मारे एवं पर मुहूर्त से मैंने हस्पिटालाइज अच्छा जड़े आईसीयू अच्छा दुईज अन्य बेड्रे पड़ी रही धरित्री जेना जे 33 नंबर प्रार्थी अच्छा निर्वाचन परिचालना करुवा सान दिअर जी तीन भाई जेहेतु हस्पिटालाइज होती वर्तमान सीए निर्वाचन परिचालना करुं 33 नंबर वार्डर एवं सरकारी दल विजु जनता दल चापर कौटिना कौटि ये पुलिस कार्य करुच्ची एवं तांको आरेस्ट करी ये कथा को आम दृढ़ निंदा करुचु ये निरपेक्ष निर्वाचन चाहूना गोटे पुलिस हाथ बार्षी साजिश एवं सरकारी कल व्यवहार में ये सब कथा दादागिरी गुंडागिरी करी केमी निर्वाचन को गोटे पक्षा पक्षा करने चेष्टा करे तो केवे संभव हम ना आम राकेश जेना को तुरंत मुक्ति करवा प्रकृत दोषी दोषी जी अच्छा श्रीधर जेना शिखर जेना एवं दिलीप जेना जो मैंने कि ये कली की आरंभ कर तुरंत आरेस्ट करा जाऊ आम पुलिस प्रशासन को निवेदन आरेस्ट करा जाऊ एवं महिला टी धरित्री जेना तांकर परिवार समस्त डाक्तरखाना पड़ते सान दिअर एकमात्र अच्छी सी निर्वाचन परिचालना करुच्ची केमी उठे नहीं जाय भाव उठे नहीं कि विभिन्न दफा लगे पर मुहूर्त जेल पठेबे ये तो आम जाणी प्रक्रिया आमर दाबी रोच तुरंत मुक्ति दि जाऊ धरित्री की निरपेक्ष निर्वाचन में शांति श्रृंखला निर्वाचन में सहयोग कराऊँ महिला टीए सी पुणी निर्वाचन लड़े केमी ये कथा गोटे चिंतार विषय अच्छी ये कथा को चिंता करने दरकार प्रशासन जी निर्वाचन पुणी अभियोगकारी सी राकेश जेना अभियोग कर सरकारी दल जो गुंडा माने स्थानीय नेतृत्व माने जो मारणास्त्र मारी विरुद्ध अभियोग कर लिखित भाव में पुलिस थाना रे। उठे नहीं जाऊँगी जो मैंने निर्दोष अच्छा जी अभियोग करके उठे नहीं जाऊँगी ये गोटे बड़ प्रश्न अच्छी से प्रकृत दोषी की आरेस्ट कराऊ एवं राकेश जेना को मुक्ति करा जाऊ यही प्रतिवाद करके आम ये आंदोलन करुच्छू और आंदोलन जारी रहा राकेश जेना को मुक्ति मिलना एवं जपर्यंत प्रकृत दोषी जी अच्छा शिखर जेना श्रीधर जेना एवं दिलीप जेना यू आरेस्ट करना पुलिस से पर्यंत आम आंदोलन जारी रखू।